गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और दोबारा से खाड़ी की 70% ऑफ की वीडियो आ गई है, जो आप सबकी फेवरेट है और मेरी बहुत फेवरेट है। तो इसमें मैं आपको दो बड़े ज़बरदस्त से ड्रेसेस दिखाऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। और उसके अलावा जो आपके बेसिक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्या खाड़ी की सेल ख़त्म हो गई है, या फिर वो एक दो दोबारा से पूछ रहे थे कि दो ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होता, तो इस तरह के जो बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हैं उनका दोबारा से मैं आपको जवाब दूंगी। और वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप ये ड्रेसेस मेरे साथ किस तरह से ख़रीद सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा, बड़े मज़े की, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और ये ड्रेसेस जो हैं आप लोग लीजिए, क्योंकि अब तो खैर ईद के बाद भी आई होप सो कि ये चीज़ें आपके काम आ जाएंगी। तो अगर आपने ईद का ड्रेस ले लिया, उसके अलावा भी अगर आप अपने इन फ्यूचर शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो उसकी इस वक्त जो खाड़ी है ना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अब मैं आपको वन बाय वन करके ये दो बड़े मज़े के ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो इनमें से जो सबसे पहले दिखाती हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा सस्ता ड्रेस है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ये लॉन का ड्रेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे रेट में मिला। ये लॉन का 3 पीस है और आप देखें कितना हसीन है। अच्छा, जब मैंने जो है ना ये ड्रेस देखा था, तो मुझे लग रहा था कि अरे वाइट कलर का ड्रेस है, इतना मज़े का नहीं है, या फिर बस मैंने रेट्स की वजह से ऑर्डर कर दिया था। लेकिन जब मैंने इस ड्रेस को जब मेरे पास लाइव आया, तो मुझे ये इतना ज़्यादा हसीन लगा ना। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ख़ास तौर पे ये जो ड्रेस है ना, ये वन प्रिंट ड्रेस है। अब आप देख सकते हैं इसका जो ट्राउज़र और शलवार का कपड़ा है ना, ये सेम है। और आजकल इस तरह के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इवन एथनिक वगैरह हर जगह वन प्रिंट ड्रेसेस आए हैं। लेकिन आपको पता है कि वन प्रिंट ड्रेसेस भी अब वही अच्छे लगते हैं जिनमें थोड़ी सी कढ़ाई हो। तो ये देखें इसका जो प्रिंट है ना, अब आप ये पास से देखिए कितना हसीन ये प्रिंट है। और सबसे बेस्ट पार्ट है लॉन का है, परफेक्ट फॉर समर्स वाला इसका सीन है। वन प्रिंट इसका बहुत ही हसीन प्रिंट है। तो खैर, शलवार के कपड़े को हम साइड करते हैं। और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, जो कि प्लस पॉइंट है। अदरवाइज़ एथनिक पे इस तरह के ड्रेसेस जो है ना, वो 8-9 हज़ार तक के आए हुए हैं। उसके बाद जो इसकी नेक लाइन है ना, वो फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ब्लैक और इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा हिट है, क्योंकि ये एक बार वो केट इंग्लैंड की जो प्रिंसेस हैं वो पहन के आई थी, उसके बाद से ये कॉम्बिनेशन इतना हिट हो गया था ना कि अब हर किसी को बस होता है कि इस तरह का ड्रेस मिले। तो खैर, ये इस तरह से ये इसकी नेक लाइन है, जो कि बहुत 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 खूबसूरत है। उसके बाद इनकी जो स्लीव्स है ना, अच्छा बैक जो है वो इसकी प्लेन है। उसके बाद जो इसकी स्लीव्स हैं वो आप चेक कीजिए, ये स्लीव्स जो है ना, ये इसकी इस तरह से ये इसकी वो हुई थी। ये देखिए ये स्लीव्स इसकी इस तरह से, ये इनकी जो स्लीव्स हैं ये फुल, ये इस पर एम्ब्रॉयडर्ड इसकी स्लीव्स हैं। और जो इसका दुपट्टा है ना, वो इसका जो दुपट्टा है, ये इसका शिफॉन टाइप का दुपट्टा है, जो कि बहुत 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 हसीन है। जितना ये मुझे प्यारा ड्रेस लगा, आई थिंक मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ड्रेस। और आई थिंक पिक्चर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और रियल में ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि दुपट्टे का जो फैब्रिक है ना, वो भी बड़ा सॉफ्ट सा, बहुत मज़े का इसका फैब्रिक है। तो मेरी तरफ से तो खैर ये ड्रेस 10/10 है। आप लोग मुझे बताइएगा। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ये मुझे ठीक से तो याद नहीं, बट आई थिंक ये मुझे ड्रेस कोई 1500-1600 तक का आई थिंक इस तरह का पड़ा था। काफ़ी सस्ता पड़ा था, कि ड्रेस महंगा नहीं था। तो ये मुझे कुछ 1500-1600 तक का ड्रेस पड़ा था। तो आई थिंक उस रेट में ये ड्रेस काफ़ी 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 मज़े का है। तो अब खैर, मैं आपको अपना जो दूसरा, जो कहते हैं ना ज़रा बड़ा ज़बरदस्त सा शो स्टॉपर वाला ड्रेस है, वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा महंगा यही ड्रेस है। तो खैर, अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसकी जो शलवार है ना, उसका भी आप देखेंगे इस तरह से, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। इस तरह से ये इसका टेक्सचर वाला कपड़ा है, जो कि बहुत ही हसीन लग रहा है। पर्सनली मुझे भी इसी तरह की शलवार के कपड़े बहुत पसंद हैं, या तो प्लेन हो या फिर इस तरह पे हो, तो फिर क्या ही बात हो जाती है। तो इस तरह से प्रॉपर शलवार का कपड़ा है। उसके बाद अब मैं आपको इसकी कमीज़ का कपड़ा दिखाती हूँ। खैर, कमीज़ का कपड़ा दिखाने से पहले आई थिंक मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। एक सेकंड, पिक्चर मैंने मुझे आई थिंक कहाँ रख दी है। खैर, पिक्चर फिर मैं आपको एंड में दिखाती हूँ, ढूंढ के कि वो वाला जो है मैंने बैग उसका कहाँ रख दिया इस वाला। लेकिन ये जो ड्रेस है ना, एक सेकंड मिल गई। अच्छा, जब साथ ही दिखाए ना तो ज़्यादा मज़ा आता है वाला सीन होता है।
वैसे आप देखेंगे कि ये इतना प्यारा ड्रेस था कि इन्होंने ये 30% ऑफ पे लगाया था, बट लकी लिया मैंने ये ड्रेसेस जो है वो 70% ऑफ में लगा दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ ये जो ड्रेस है ना, ये मुझे नहीं लगता कभी भी 70% ऑफ हमें आने वाली चीज़ है, क्योंकि ये इतना हसीन ड्रेस है। अब आप इसकी मॉडल पिक्चर देखिएगा, ये देख रहे हैं फुल एम्ब्रॉयडर्ड, और कितने मज़े का, इवन इसकी स्लीव्स तक एम्ब्रॉयडर्ड है। तो खैर अब मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ। सलवार के कपड़े को हम एक साइड पे करते हैं, पिक्चर एक साइड पे करते हैं, अब मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ। आप इसकी सिर्फ एम्ब्रॉयडरी चेक करिए, फ्लैश की वजह से ये थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी में फ़र्क आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कलर में फ़र्क आ रहा है। अदरवाइज़ इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना, इतनी प्यारी है, और इसमें आप ये देख सकते हैं, देख रहे हैं आप इसमें ये सितारे टाइप लगे हैं, जो आपको ये चमकते हुए दिख रहे हैं ना, ये इसमें इसमें सारे ये सितारे सितारे लगे हुए, मतलब ये वाइट एम्ब्रॉयडरी है और उस पर पूरे पे सितारे हैं, जो इस ड्रेस को बहुत 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 ज़्यादा हसीन बना रहे हैं। ये देखिए आप, ये इसका प्रॉपर इसकी ये गले का पीस है, ये आप देखिए, ये सारी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है जो कि बहुत हसीन लग रही है। उसके बाद अब मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव्स देखिए, जितनी प्यारी इसकी फ्रंट की एम्ब्रॉयडरी थी, उतनी ही प्यारी इसकी स्लीव्स हैं। अच्छा, स्लीव्स जो है ना, ये देखिए आप, ये इस तरह से ये इनकी दोनों ये स्लीव्स की पट्टी दी हुई है इन्हें, जो कि आप स्लीव्स पे या दामन पे कहीं भी लगा, आई थिंक बल्कि ये शायद दामन की आगे पीछे की पट्टी है, सॉरी मैं गलत, मैंने आपको बताया ये कुछ इस तरह से होगी, ये दामन के आगे पीछे लगा सकते हैं या इवन स्लीव्स के नीचे लगा सकते हैं, और ये पूरा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपके स्लीव्स पे आ जाएगा। इसका भी वैसे ही ये टेक्सचर वाला कपड़ा है, और ये प्रॉपर इसका स्लीव्स पे आएगा, जो कि बहुत 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 हसीन लगेगा। इतना ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, और बहुत ही मज़े की एम्ब्रॉयडरी, जिसे कहते हैं ना बारीक एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत डिसेंट लुक दे रहा है, और ईद के लिहाज से ये बहुत ही परफेक्ट है। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ये ड्रेस ख़रीदा भी होगा, जिनने ख़रीदा है मुझे बताइए कि उन्हें ये ड्रेस कैसा लगा। उसके बाद आप ये दुपट्टा देखिए, जितनी प्यारी इसकी शर्ट थी, उतना ही प्यारा इसका दुपट्टा, और बहुत डिफरेंट सा दुपट्टा है, ऐसा नहीं है कि वो शिफॉन का या फिर ये कॉटन वाला एक बेसिक सा दुपट्टा है, नहीं, ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का दुपट्टा है, जिस जो इसको बहुत ही 10/10 वाला ये सीन है। तो खैर अब आप मुझे बताइए, आपको दोनों ड्रेसेस में से कौन से ड्रेस ज़्यादा अच्छे लगे हैं? मुझे तो खैर दोनों ही ड्रेसेस बहुत पसंद आए हैं। तो अब मैं आपके कुछ बेसिक से सवालों का जवाब देती हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या खाड़ी पे अब रीस्टॉक नहीं होता है? खाड़ी पे अब ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही रीस्टॉक हो रहा है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि खाड़ी की सेल अब ख़त्म हो जाएगी, तो वही वाला सीन हो गया कि इनकी सेल ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गई है। बड़ी किस्मत से कोई एक दो ड्रेसेस जाके अब रीस्टॉक हो रहे हैं, वो भी दिन में एक बार किसी भी टाइम हो जाते हैं, सहरी के वक्त अब नहीं हो रहे हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है, और काफ़ी बार ऐसा है कि रीस्टॉक नहीं भी हो रहे हैं। तो इस वजह से अब इनकी सेल ऑलमोस्ट बिल्कुल ही एंड पे है। तो जिन लोगों ने अवेल कर लिया वो बड़े बेनिफिट में रहे, जिन लोग नहीं कर पाए हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम नीचे मेंशन होगा, उसमें मेरे पास अभी भी कुछ ड्रेसेस अवेलेबल हैं। जैसे ये दो ड्रेसेस हैं, तो जो मुझे पहले पेमेंट करता है या मुझसे ऑर्डर करवा लेता है, मैं उन्हीं को वो ड्रेसेस दे देती हूँ। तो अभी भी कुछ ड्रेसेस, जैसे ये दो ड्रेसेस अवेलेबल हैं, तो मुझसे अगर उनको चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। खैर अच्छा, उससे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता दूँ। ये जो ड्रेस है ना, ये मुझे तकरीबन 2600-2700 इस तक का ये ड्रेस पड़ा था, जो कि आई थिंक अच्छी रेट है, क्योंकि अगर ये ड्रेस अगर आप इसके ओरिजिनल बात करें तो ये 8300-8400 तक का ये ड्रेस है, और ये अगर मुझे तो पर्सनली ऐसा ड्रेस है कि लोग 4000 में भी अब आपको इस तरह का ड्रेस कहीं नहीं मिलेगा, 50% ऑफ में भी अब आपको इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस नहीं मिलेंगे, जिस हिसाब से आप मार्केट में जाएँ और इतनी महंगाई हो गई, उस लिहाज से ये बहुत अच्छा ड्रेस था। खैर उसके बाद एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है, वो ये आता है कि हम दो ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते। तो खाड़ी की वेबसाइट पर एक उनने रूल बनाया हुआ है, खाड़ी की वेबसाइट पे उनका एक रूल है, जिसके अंदर ये साफ साफ मेंशन, मतलब वो जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप एक नंबर से दो ऑर्डर कर सकते हैं, और एक ईमेल से भी दो ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको दो से ज़्यादा ऑर्डर करने हैं ना, तो आपको ईमेल और नंबर दोनों चेंज करनी होगी। ईमेल का ये है कि आप ABCB करके लिख दें, ईमेल का कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जो नंबर है ना वो आप लोग ठीक डालें, और नंबर आप घर अपने घर में से किसी का भी डाल दीजिए, अपने भाई का, बहनों का, किसी का भी डाल दें, तो उसमें मसला नहीं होगा। लेकिन ये होगा कि जब आप ऑर्डर कंफर्म कर देना,
तो जो एंड का ट्रैकिंग नंबर होता है उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया करें, क्योंकि फिर ये होता है कि आपको अंदाज़ा रहता है कि आपका ड्रेस कहाँ तक पहुँचा है, ट्रैक हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई होप सो कि ये भी चीज़ों की मैंने आपको कर दिया होगा। तो अब इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताइए, और कोई ऐसे आपके क्वेश्चन है जो आप कमेंट्स में नहीं बताना चाहते हैं, आपको कोई भी क्यूरी है, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मैसेज का वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। थोड़ी भी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम इस तरह की और मज़े मज़े की वीडियोस बनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।